नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सेना ने किसी अंग में पहली बार विशेष बल में कमांडो बनेंगी महिलाएं और सेना जल्द कर सकती है ऐलान। विदेश मंत्री आज इंडिया ग्लोबल फोरम UAE 2022 का करेंगे उद्घाटन। G20 की अध्यक्षता पर भी होगी चर्चा। कांग्रेस चीफ खरगे ने कर्नाटक के नेताओं की बुलाई बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव पर होगा मंथन। अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। भारतीय नौसेना ने अपने विशिष्ट विशेष बलों में महिला को शामिल करने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। बता दें कि पहली बार भारतीय सेना में कमांडो के रूप में महिलाओं को भी शामिल किया गया है। अधिकारियों ने कल रविवार को इसकी जानकारी दी। हालांकि अब इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। बता दें कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना के विशेष बलों ने कुछ विशिष्ट सैनिकों को शामिल किया जाता है, जिन्हें हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिससे ये गुप्त अभियान को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। सूत्रों ने बताया है कि अब ट्रेनिंग के बाद अगर महिलाएं मानदंडों पर खरा उतरती हैं, तो वे नौसेना से समुद्री कमांडो यानी कि मार्कोस बन सकती हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के सैन्य इतिहास में यह ऐतिहासिक कदम है, लेकिन किसी को सीधे विशेष बल में शामिल नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद आज दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम UAE 2022 का उद्घाटन करेंगे। यह एक 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो भारत, UAE और दुनिया भर से प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक हस्तियों को एक साथ लाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12 से 16 दिसंबर तक दुबई और अबू धाबी में आयोजित होने वाले इंडिया ग्लोबल फोरम में वैश्विक प्रभाव के लिए दोनों देशों की व्यवसायिक और उद्यमियों को एक साथ काम करने का भी एक अवसर प्रदान करेगा। इसी के साथ G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद भारत की ओर से यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। गौरतलब है कि भारत ने 1 दिसंबर को औपचारिक रूप से इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है और 5 दिवसीय कार्यक्रम में G20 की अध्यक्षता पर भी चर्चा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद कांग्रेस आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है और इसी के चलते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए आज पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। इस दौरान खड़गे चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेंगे और साथ ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया है कि नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली बैठक में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार और राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता सिद्धारमैया सहित 14 वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।